In this video, we learn what is humanity. Humanity refers to the collective attributes, qualities and capacities जो कि एक human being की as a species characteristics को define करती हैं। इंसानी तौर पे हमें कौन से attributes हैं, qualities हैं और हमारी सलाहियतें या हमारी capacities क्या हैं। So simply हम कह सकते हैं कि humanity में essential characteristics जो define करती हैं कि हम इंसान हैं, उसमें intelligence है, उसमें हमारा moral है, हमारी सोशल बीइंग है, हमारी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ रीजनिंग है, एम्पैथी है और क्रिएटिविटी है। मॉरल्स मींस द एलिमेंट ऑफ गुड, राइट एंड रॉन्ग, बीइंग ऑनेस्ट एंड एम्पैथी रिफर्स टू द सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन। एमिनल कांट जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैपेसिटी फॉर बीइंग रैशनल थॉट एंड मॉरल एक्शन। सोच में हमने रैशनल होना है और एक्शन में हमने मॉरल होना है। रैशनल मींस बैलेंस्ड, नॉर्मल, coherent, sensible and moral means again good, right and wrong, honest, honorable होना है। So from rational thought perspective humanity को characterize किया गया है ability to engage in rational thought processes जिसमें critical thinking है, problem solving है और abstract reasoning है। For example हम humans जो हैं हम logic देते हैं, reasoning देते हैं, complex situations को analyze करते हैं, decision making करते हैं और advanced scientific knowledge जो है through experimentation and inquiry हासिल करने की कोशिश करते हैं। So rational thought then moral action humanity involves capacity for moral awareness हमारा जो ethical behavior है जिसमें empathy है, compassion है, sense of justice है। So जो individuals हैं वो demonstrate करते हैं humanity को और kindness show करते हैं, compassion show करते हैं दूसरों के लिए और वो justice के लिए खड़े होते हैं, human rights के लिए खड़े होते हैं और इस तरह के acts में involve होते हैं और engage होते हैं जिस तरह के charity है, help है और हम जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करते हैं। तो अगर ये सब चीजें हम में होंगी तो हम ह्यूमन हैं और अगर ये हम में चीजें नहीं है तो हम में ह्यूमैनिटी नहीं है। सोशल इंटरेक्शन ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व करती है एबिलिटी टू फॉर्म सोशल बॉन्ड। हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तल्लुकात बनाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं और उससे हमारी कम्युनिटीज बनती हैं और हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं और हमारे अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, हेल्प देते हैं। सो ह्यूमंस जो सोशल इंटरेक्शंस में एंगेज होते हैं जैसे कि उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं और कलेक्टिव एंडेवर्स होती हैं, वो काम करते हैं जैसे उनके टीम वर्क्स होते हैं और कम्युनिटीज हैं जो ऑर्गेनाइज होती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पे वो अपने मसाइल का हल निकालती हैं। कल्चरल एक्सप्रेशन ह्यूमैनिटी हमारी कल्चरल क्रिएटिविटी से, हमारे आर्ट से, लिटरेचर से, म्यूजिक से और रिलीजियस रिचुअल से एक्सप्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो हैं वो आर्ट को क्रिएट करते हैं अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को और अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए और वो कम्युनिकेट करते हैं कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स और अपनी आइडेंटिटी दूसरी जनरेशंस को अब थ्रू देयर आर्ट। जैसे कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग गुजर चुके हैं आज से सदियों पहले उनके लिटरेचर को पढ़ के उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह के ह्यूमंस थे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सो ह्यूमैनिटी में एक मार्क्ड कैपेसिटी है कि ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती रहती है और अपने लिए टूल्स डेवलप करती है और टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है और साइंटिफिक डिस्कवरीज करती है जिससे ह्यूमन वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन ने एग्रीकल्चर को इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, मेडिसिन डेवलप की है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए हैं और उन्होंने सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म भी किया है और कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज किया है। सो वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है जो मिलके ह्यूमैनिटी को डिफाइन करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिक और इनहेरेंट क्वालिटीज जो कि ह्यूमंस को एज ए स्पीशीज डिस्टिंग्विश करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं उनके इंटेलेक्चुअल, मॉरल और कल्चरल डेवलपमेंट में थ्रू आउट द हिस्ट्री। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।